हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार, आप देख रहे हैं एम बी फिर डेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो है आपके लिए बिग गुड न्यूज़। और काफ़ी सब्सक्राइबर का यही सवाल था कि मैं दो फीट एंटेना पर मल्टी सेटेलाइट सेट करके दिखाओ। अभी ये वाली डिश है दोस्तों, यह सेट 52 डिग्री पर अभी डिश सेट है। आप डिश की पोजिशन देख सकते हो और आप सिग्नल भी देख सकते हो। वो सिग्नल भी अभी मुझे रिसीव हो रहा है, मीटर में आप चेक कर सकते हो। इसकी टीपी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1181 वाली, ये आप देख सकते हो। ये सबसे आसान टीपी है यह सेट 52 डिग्री की। आप टीपी भी नोट कर सकते हो, इसकी टीपी आपको नज़र नहीं आ रही तो वीडियो के नीचे आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और यह सेट 52 डिग्री का सिग्नल है और आप देख सकते हो ये सबसे आसान टीपी है। और 48 सिग्नल मुझे रिसीव हो रहा है, आप मीटर में भी चेक कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। और सिग्नल भी मैं आपको हाथ रख के भी मैं आपको सिग्नल चेक कर ही देता हूँ। सबसे पहले इसकी LMB पोजिशन है, आप देख सकते हो LMB पोजिशन सेम रहेगी जैसे DD-FID में रहती है इस तरह से। अब जैसे देखो मैंने हाथ रखा नो सिग्नल, क्योंकि देखो कैमरे के सामने मेरा अभी हाथ है, ये आप देख सकते हो। जैसे देखो मैंने हाथ हटाया और सिग्नल हमारा दोबारा वापस आ चुका है। और ये यह सेट 52 डिग्री और एक्सप्रेम 53 डिग्री पर अभी डिश सेट है। और केबल वगैरह आप चेक कर सकते हो। और ये रही इसकी टोंग टिपी और सिग्नल आपसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस सबसे आसान टिपी है 1181 वाली है। और इसमें दो तो मैं आपको साथ में मल्टी सेटेलाइट सेट करने वाला हूँ, तुर्क सेट 42 डिग्री यानी कि 42 तुर्क सेट। इसका भी सिग्नल मैं आपको मल्टी सेटेलाइट में आपको सेट करके दिखाता हूँ कि कितना सिग्नल रिसीव हो रहा है। और केबल वगैरह दोस्तों ये वाले LMB में से निकाल देते हैं और दूसरी वाले LMB में कनेक्ट कर देते हैं। वो मैं दोस्तों आपको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। और कौन सी टिप ऐड करना है वो भी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी टिप आपको ऐड करनी है। और ये रिश की टोंग टिपी, आप टिपी भी नोट कर सकते हो, 12053 वाली, ये आप देख सकते हो। 42 तुर्क सेट की सबसे आसान टिपी है। MPG 2 बॉक्स में भी सेट कर सकते हो और MPG 2 बॉक्स में और MPG 4 बॉक्स में भी आराम से सेट कर सकते हो। और LMB पोजीशन दोस्तों आपको DD-FID की दोनों को पोजीशन आपको सेम रखना है, ये आप देख सकते हो। यहाँ दोस्तों इसकी सिग्नल हमें रिसीव करना है यानी तुर्क सेट 42 डिग्री का। और यहाँ ये इसका सिग्नल यहाँ मिलेगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा पास में इसकी LMB पोजीशन रहेगी। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ जैसे दोस्तों मैंने LMB रखा और सिग्नल आप देख सकते हो सामने मीटर में भी आप देख सकते हो। यहाँ जैसे दोस्तों मैं LMB रखता हूँ तभी मुझे इसका सिग्नल रिसीव हो रहा है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो 44 इसका सिग्नल रिसीव हो रहा है, 45 46 इसका सिग्नल रिसीव हो रहा है। तुर्क सेट 42 डिग्री, जैसे दोस्तों मैंने LMB हटाई और इसका नो सिग्नल है, आप देख सकते हो। केबल वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैंने इस डिश पर मैंने दोस्तों उल्टी डिश में मल्टी सेटेलाइट भी मैंने सेट करके दिखाया था, मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो। और आप सिग्नल भी देख सकते हो, 44 इसका सिग्नल मुझे रिसीव हो रहा है इस टीपी पर, यानी यह तुर्क सेट 42 डिग्री की सिग्नल की टीपी है, ये आप देख सकते हो। सामने से मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको देखने को अच्छी तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों जैसे दोस्तों मैं यहाँ मैक्सिमम इसका सिग्नल रिसीव करना है, आप देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपके पास मोनोब्लॉक LMB है तो आपके पास ये तीनों सेटेलाइट का इसका सिग्नल आपको मिलेगा, यानी यह सेट 52 डिग्री का और एक्सप्रेम 53 डिग्री का और ये तुर्क सेट 42 डिग्री का, तीनों सेटेलाइट का इसके सिग्नल आपको मिलेगा। मोनोब्लॉक LMB आप यूज़ करते हो तो आपको तीनों सेटेलाइट एक ही LMB में आप रिसीव कर सकते हो। और सिग्नल भी आप देख सकते हो, 44 48 सिग्नल मुझे रिसीव हो रहा है, 49 भी सिग्नल कभी कभी हो जाता है, ये आप सिग्नल भी देख सकते हो सामने। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको नॉर्मल LMB में ज़्यादा सिग्नल रिसीव नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों आपको बेस्ट LMB आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी दोस्तों मल्टी सेटेलाइट आप सेट कर सकते हो। को बेस्ट LMB आप यूज़ करना पड़ेगा, नॉर्मल LMB में ज़्यादा सिग्नल रिसीव नहीं होता। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप सेटेलाइट सेट करना चाहते हो तो आपके पास बेस्ट LMB है तो इसका सिग्नल आप रिसीव कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल LMB में ज़्यादा सिग्नल रिसीव नहीं होता है। मैं हमेशा दोस्तों एयरटेल का LMB यूज़ करता हूँ कोई भी सेटेलाइट में, इसका ज़्यादा सिग्नल मुझे रिसीव हो रहा है, यह आप देख सकते हो। 39 44 49 भी सिग्नल कभी कभी हो जाता है, यह आप देख सकते हो। 48 सिग्नल मुझे रिसीव हो रहा है,
यानी कि तुर्क सेट 42 डिग्री का, और सबसे आसान टीपी है। मैंने MPG 2 बॉक्स में भी मैंने दिखाया था और MPG 4 बॉक्स में भी मैंने दिखाया था, ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसका वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, और नहीं देखा तो इसकी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हो। अब ये वाले डिश है दोस्तों, आपको यह सेट 52 डिग्री पर पहले सेट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप मल्टी सेटेड आप सेट कर सकते हो। और इतिहास की डिश सेटिंग और इतिहास की अपडेट अपडेट आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ।